आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ In this question, we have given a 700 gram block is released from rest at height h naught above a vertical spring with spring constant k equals to 450 newton per meter and negligible mass. The block strikes

एच नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और डी पार्ट हमें कह रहा है इफ द ब्लॉक वर रिलीज फ्रॉम द हाइट टू एच नॉट द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑन द स्प्रिंग ठीक तो क्वेश्चन में क्या दिया, हमारे पास एक कोई मास है ठीक उसकी वैल्यू सेवन हंड्रेड ग्राम है इसको आप के जी में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो पॉइंट सेवन के जी वन थाउजेंड से आप डिवाइड कर देंगे अभी किसी एच नॉट हाइट पे रखा गया है ठीक एच नॉट हाइट पे ये रखा गया है ब्लॉक अब यहाँ से छोड़ा जाता है फिर ये आता है कि स्प्रिंग पे गिरता है ठीक उस स्प्रिंग का कांस्टेंट हमें गिवन है कितना 450 न्यूटन और स्प्रिंग को कंप्रेस करता है लेट से नीसली वाइड डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस पे 19 मीटर ठीक तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0.19 मीटर कंप्रेस करता है और स्प्रिंग जब पूरी तरह से कंप्रेस्ड हो जाएगी तो वो रेस्ट में हो जाएगी ये हमें पता है अब हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है बाय द ब्लॉक ऑन द स्प्रिंग एंड वर्क डन बाय द स्प्रिंग ऑन द ब्लॉक तो पहले डायग्राम बनाएंगे फिर इसको समझेंगे तो यहाँ से हमने अपना डायग्राम बना लिया हमारे पास क्या था एक स्प्रिंग था जो वर्टिकल डायरेक्शन में इस तरह से रखी गई थी अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इस स्प्रिंग से वर्टिकली एच नॉट डिस्टेंस पे हमारे पास कोई एक क्या था बॉल था ठीक एक ब्लॉक था ठीक क्वेश्चन में क्या दिया एक सेवन हंड्रेड ग्राम ब्लॉक इज रिलीस्ड फ्रॉम द रेस्ट एट हाइट एच नॉट एबव वर्टिकल स्प्रिंग एक वर्टिकल स्प्रिंग के अब एच नॉट हाइट पे हमारे पास कोई एक बॉल था अभी ये रेस्ट में रखा गया है फिर यहाँ से ये छोड़ा जाता है ठीक इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है हमारे पास जीरो अब यहाँ से छोड़ा जाता है जैसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन करते हुए जाएगा ठीक इस तरह से फिर ये स्प्रिंग को क्या कर रहा है कॉम्प्रेस कर रहा है फिर जाएगा स्प्रिंग से टकराएगा और स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा तो ये दूसरे डायग्राम में देखेंगे ये ब्लॉक हमारा स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा है मैक्सिमम कंप्रेशन कितना हो रहा है जीरो पॉइंट वन नाइन मीटर जब ये ब्लॉक हमारा पूरी तरह से स्प्रिंग को कंप्रेस कर देगा उस समय भी इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी जीरो ये ब्लॉक हमारा रेस्ट में आ जाएगा ठीक अब इससे ज़्यादा कंप्रेशन इस स्प्रिंग में नहीं हो सकता

ठीक तो यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे कितने फोर्स है एक तो हमारे पास जो ये बॉल सॉरी ये जो ब्लॉक है इसका ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगेगा इसको लिख सकते हैं एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा ठीक अभी एक फोर्स तो हमारा हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वर्क डन आएगा प्लस यहाँ पे अगर देखें जब ये ब्लॉक हमारा इस स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा तो स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा इसको हम लिख सकते हैं एफ स्प्रिंग ठीक तो एक स्प्रिंग फोर्स की वजह से हमें वर्क डन मिलेगा तो यहाँ पे सिर्फ इस पूरे सिस्टम पे दो ही फोर्स है एक ग्रेविटेशनल फोर्स है और एक स्प्रिंग फोर्स है तो यहाँ पे कितने वर्क हम मिलेंगे एक ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स एक इसके बराबर हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के तो यहाँ से देखें इनिशियली बॉल हमारा यहाँ पे था मान लेते हैं पॉइंट ए था फाइनली पॉइंट बी पर पहुंच गया ठीक जो ब्लॉक था तो यहाँ से हम देखें अगर तो इनिशियली जो बॉल की सॉरी ब्लॉक की जो वेलोसिटी थी वो जीरो थी तो यहाँ से इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी जीरो सॉरी फाइनल पोजिशन पे देखें चेंज इन कारनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है के फाइनल माइनस के इनिशियल तो फाइनली अगर देखें जो हमारे पास ब्लॉक था पॉइंट बी पे था और इस समय रेस्ट में था स्प्रिंग हमारा मैक्सिमम कंप्रेशन में है तो यहां से कहेंगे इसकी जो फाइनल कारनेटिक एनर्जी होगी जीरो हो जाएगी इनिशियली देखें तो जो हमारे पास ब्लॉक था यहाँ पे था और ये रेस्ट में था ठीक तो इसकी भी कार्नेटिक एनर्जी हो जाएगी जीरो तो यहाँ से हम कह सकते हैं वर्कडन बाय द स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सॉरी वर्कडन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ बाय द स्प्रिंग फोर्स ये एक रिलेशन हमें पता चल गया ठीक अब यहाँ से अगर देखें देखें क्या वर्क डन बाय द स्प्रिंग स्प्रिंग फोर्स फोर्स हम निकाल सकते हैं अब यहां पे देखें तो जो हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक्चुअली वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है अगर यहाँ पे देखें तो ये जो स्प्रिंग फोर्स है चूंकि यहाँ पे देखेंगे जो ब्लॉक होगा स्प्रिंग को नीचे की तरफ दबाएगा तो स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा ये हमारा क्या हो जाएगा एफ स्प्रिंग ठीक अच्छा डिस्प्लेसमेंट स्प्रिंग का किधर हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ठीक डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है कितने का 0.19 मीटर का तो हमें पता है वर्क डन बाय द स्प्रिंग क्या होता है नेगेटिव होता है W इजक्ल्स टू क्यों क्योंकि स्प्रिंग फोर्स ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है वाई ठीक तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग इजक्ल्स टू माइनस हाफ के वाई स्क्वायर ठीक है हमारे स्प्रिंग का वर्क डन हो जाएगा डब्ल्यू स्प्रिंग यहाँ से देख सकते हैं इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स माइनस हाफ के स्प्रिंग कांस्टेंट हमें गिवन है कितना 450 न्यूटन पर मीटर ठीक तो यहाँ से के की वैल्यू पुट कर दीजिए 450 फिफ्टी इंटू वाई वाई क्या था कंप्रेशन स्प्रिंग का अलॉन्ग वर्टिकल वा, डायरेक्शन तो उसकी वैल्यू कितनी थी जीरो तो इसको पूरा सॉल्व करोगे जीरो का होल स्क्वायर हो जाएगा तो वर्क डन बा स्प्रिंग फोर्स हमें मिल जाएगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी नेगेटिव ऑफ एट जूल ठीक ये आ गया वर्क डन बाय द स्प्रिंग अब यहाँ से हमने एक रिलेशन देखा कि वर्कडन बाय द ग्रेविटेशन फोर्स निगेटिव ऑफ वर्क बाय द स्प्रिंग ठीक तो यहाँ से देख सकते हैं इसको लिख सकते हैं वर्क वर्गडन बाई जूल दोनों इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में बस उनका जो साइन होगा वो डिफरेंट होगा तो यहाँ से हमने देखा कि जो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा 8.1 जूल इसका मतलब कि जो ये ब्लॉक था स्प्रिंग पे कितना वर्क किया होगा 8.1 जूल अच्छा वर्क डन बाय द स्प्रिंग ऑन द ब्लॉक वो कितना होगा 8.1 जूल नेगेटिव में क्योंकि यहाँ से देख पा रहे हैं स्प्रिंग ने इस ब्लॉक पे कितना वर्क डन किया स्प्रिंग अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो उसके द्वारा वर्क डन आया माइनस एट जूल अच्छा ये ब्लॉक होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्प्रिंग पे फोर्स लगाया या ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा ठीक और स्प्रिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंप्रेस भी हो रही है तो वर्क डन बाय द ब्लॉक ऑन द स्प्रिंग कितना हो जाएगा एट जूल तो ए पार्ट का आंसर कितना हो जाएगा वर्क डन बाय द ब्लॉक ऑन द स्प्रिंग ये किसके बराबर हो जाएगा वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 8.1 जूल ए पार्ट का आंसर ये हो गया अगर बी पार्ट की बात करें तो हमसे बताना था वर्क डन बाय द स्प्रिंग ऑन द ब्लॉक तो स्प्रिंग ने ब्लॉक पे कितना वर्क किया होगा माइनस एट जूल वर्क डन द स्प्रिंग ऑन द ब्लॉक कितना हो जाएगा माइनस एट जूल तो ये दोनों पार्ट के आंसर हमें मिल गए ठीक हमें सी पार्ट क्या बनाना था एच नॉट एच नॉट क्या था स्प्रिंग से जो वर्टिकल डिस्टेंस में इनिशियली बॉल रखा गया था वो ब्लॉक था वो एच नॉट डिस्टेंस पे था तो हमें यहाँ पे एच नॉट की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी होगी तो सी पार्ट क्या हो जाएगा एच नॉट अगर हम फाइंड आउट करें तो यहां से हम देख सकते हैं कि वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर हो जाएगा एम जी जो ग्रेविटेशनल फोर्स था एम जी था डिस्प्लेसमेंट अब यहाँ पे देखेंगे इनिशियली हमारे पास जो ब्लॉक था यहाँ पे था ठीक एच नॉट हाइट पे कितना डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनली एच नॉट प्लस वाई ठीक जब बॉल हमारा यहाँ पे पहुंच जाता है ब्लॉक तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होता, होता है एच नॉट प्लस वाई तो work done by the gravitational force कितना हो वर्गन बाई डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया एच नॉट प्लस वाई टोटल डिस्प्लेसमेंट ये हो गया अब यहां से हमने देखा ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमने फाइंड आउट कर लिया एट पॉइंट टू एम की वैल्यू है जीरो पॉइंट सेवन जी की वैल्यू है टेन इंटू एच नॉट प्लस वाई हमें जीरो पॉइंट वन नाइन तो इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो यहाँ से एच नॉट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.98 मीटर 98 मीटर ठीक ये हमारे पास एच नॉट की वैल्यू आ गई एच नॉट क्या था कि इनिशियली हमारे पास जो ये ब्लॉक था स्प्रिंग से कितने हाइट पे था एच नॉट उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली अब डी पार्ट कह रहा है कि अगर जो एच नॉट का एच नॉट था उसको टू एच नॉट कर दिया जाए ठीक अभी यहाँ पे एच नॉट था अब कुछ समय बाद इसको ब्लॉक को यहाँ रख दिया जाए स्प्रिंग से टू एच नॉट डिस्टेंस तक फिर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरेगा स्प्रिंग पे तो स्प्रिंग को मैक्सिमम कितना कंप्रेस करेगा ठीक तो यहाँ से हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं ठीक इनिशियली अगर देखें तो मान लेते हैं कि ब्लॉक पॉइंट ए पे था इसकी कानेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी के प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी यू ए बराबर जब ये पॉइंट बी पे आ जाएगा तो इसकी कानेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी के बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी यू बी अब यहाँ पे अगर देखें तो स्प्रिंग हमारा इस तरह से थी और ये जो ब्लॉक था अभी इस स्प्रिंग से मान लेते हैं स्प्रिंग ये थी इस स्प्रिंग से टू एच नाउट डिस्टेंस था टू एच नाउट हाइट पे था जब स्प्रिंग पे यहाँ के गिरेगा तो स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा कुछ ये सिचुएशन बन जाएगी ठीक स्प्रिंग यहाँ आ जाएगी ब्लॉक हमारा यहाँ आ जाएगा तो हमने कहा कि इस ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन से ये वाई नॉट वाई डैश डिस्टेंस इस बार कंप्रेस हुआ जब टू एच नॉट हाइट से गिरा तो कितना इसको कंप्रेस किया वाई डैस डिस्टेंस कंप्रेस किया वाई डायरेक्शन में ठीक वर्टिकल डायरेक्शन में तो हमें वाई डैस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अब यहां से हमने क्या लगाया एनर्जी कंजर्वेशन मान लेते हैं ये पॉइंट ए था ये हमारे पास पॉइंट बी था तो ए और बी के बीच में हमने एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया तो पॉइंट ए पे देखेंगे इनिशियली बॉल हमारा जो ब्लॉक था रेस्ट में था ठीक तो इसकी कैरिटी हो जाए जीरो पोटेंशियल एनर्जी अगर हम ये रेफरेंस पॉइंट है ठीक तो यहाँ से कितनी हाइट पे इनिशियली हमारे पास ब्लॉक था y डैस प्लस टू एच नॉट तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी एम जी, जी क्या हो जाएगा वाई डेस प्लस टू एच नॉट ये हमारा हो गया पोटेंशियल एनर्जी कैनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गई थी इज इक्ल्स टू जब पॉइंट बी पे आएंगे तो यहाँ से देखेंगे फिर से कैनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी क्योंकि ये स्प्रिंग फिर से मैक्सिमम कंप्रेस हो जाएगी और रेस्ट में आ जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी सॉरी ये हमारे पास कैनेटिक एनर्जी हो जाएगी जीरो प्लस तो अब स्प्रिंग कितना डिस्टेंस डिस्प्लेस हुई है कंप्रेस हुई है वाई डेस डिस्टेंस तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे आ जाएगा कितना हाफ के का होल स्क्वायर ठीक हमें पता है कि अगर स्प्रिंग एक्स डिस्टेंस दबती है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर्ड होता है वर्टिकल में हाफ के वाई डैश का होल स्क्वायर ठीक अब यहाँ से आप इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए एम जी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी टू एच नॉट प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास हाफ के वाई डैश का होल स्क्वायर तो यहाँ पे देखेंगे एक एम जी एच नॉट प्लस यहाँ पे बनेगा एम जी वाई डैस इज इक्ल्स टू क्या हो जाएगा हाफ के वाई डैस का होल स्क्वायर ठीक तो यहाँ पे आप पूरी वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये क्वराटिक क्वेश्चन बनी है इसको लिख सकते हैं हाफ के वाई डैस का होल स्क्वायर माइनस एम जी वाई डैस माइनस टू एम जी एच नॉट इज इक्वल्स टू जीरो यहाँ पे सारी वैल्यूपुट कर देंगे तो यहाँ से हाफ के की वैल्यू कितनी है फोर फिफ्टी इंटू वाई डैस हमें फाइंड आउट करना है ठीक माइनस एम की वैल्यू ये जीरो पॉइंट सेवन जी की वैल्यू टेन इंटू वाई डैस हमें फाइंड आउट करना था माइनस टू एम की वैल्यू कितनी है जीरो पॉइंट सेवन इंटू जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी टेन एच की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है ठीक एच डैस की वैल्यू कितनी है जीरो पॉइंट नाइन एट तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी जीरो पॉइंट नाइन एट ठीक तो यहाँ से इसको पूरा ये जीरो के बराबर हो जाएगा सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो वाई डैश की दो वैल्यू आएगी एक आएगी हमारे पास जीरो पॉइंट एक आएगी हमारे पास जीरो पॉइंट टू सिक्स मीटर और एक हमारे पास नेगेटिव में आएगी वाई डैस इज इक्ल्स टू हमारे पास आ जाएगा माइनस जीरो पॉइंट टू टू मीटर ठीक तो यहाँ से हमें फ्लॉडो टॉक क्या करना था वाई तो एक पॉजिटिव वाला हमारा आंसर हो जाएगा वाई डैस की वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो पॉइंट टू सिक्स मीटर यहाँ पे वाई डैश हमने लिया है यहाँ पे हमने वाई वन लिख दिया है क्या है हमारे पास वाई डैश तो यहाँ से ये यह हमारे पास डी पार्ट का आंसर हो गया कितना मैक्सिमम स्प्रिंग कंप्रेस होगी 0.26 मीटर कब जब ये ब्लॉक हमारा इनिशियली टू एच नॉट हाइट से स्प्रिंग से टू एच नॉट हाइट से नीचे की तरफ गिरेगा तो स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा 0.26 मीटर तो ये डी पार्ट का आंसर हो गया तो यहां से हमने चारों पार्ट के आंसर फाइंड आउट कर लिए ठीक ये वर्गन बाय द क्या था ब्लॉक ऑन द स्प्रिंग था पहले ए पार्ट का आंसर ये क्या था वर्गन बाय द स्प्रिंग ऑन द ब्लॉक ये बी पार्ट का आंसर हो गया था सी पार्ट कितना एच नॉट की वैल्यू थी उसको हमने फाइंड आउट कर ली जीरो मीटर और डी पार्ट ये आ गया हमारे पास वाई डैश की वैल्यू मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग थैंक यू क्लास सिक्स से 12 से लेके नीट आईआईटी आई टी जे ही मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ पर